स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के हमारे तीन लेक्चर्स हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास नाइन्थ ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास नाइन्थ के ही वीडियोज दिखेंगे। एंड जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी आपके अपकमिंग वीडियोज अपलोड होंगे उनका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस हैं उनको स्टडी करेंगे। देख लेते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंसेस। सी, सो प्लांट सेल आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है, एनिमल सेल आपका राइट हैंड साइड में दिया गया है। प्लांट सेल का जो पहला पॉइंट है, इट इज यूजुअली लार्जर देन द एनिमल सेल, तो एनिमल सेल स्मॉल होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, प्लांट सेल में सेल वॉल आउटर मोस्ट प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल में इट इज एब्सेंट। सी, हियर आपका प्लांट सेल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। लेफ्ट हैंड साइड में प्लांट सेल दी गई है, राइट हैंड साइड पे आपका एनिमल सेल है, तो ये आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है किसमें, एनिमल सेल में। लिख देते हैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल, माइनस से मैं शो कर रही हूँ। ठीक, अब ये सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज एक सब्सटेंस है, उसकी बनी हुई होती है। ठीक, सेल वॉल आपकी सेलुलोज की बनी हुई होगी, एनिमल सेल में नहीं है। ये सेल वॉल आपका रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर, शेप नहीं चेंज होता है, फिक्स स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट को, प्लांट सेल में आपके प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, और मेनली कौन सा प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट। मेनली कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज क्लोरोप्लास्ट। बट एनिमल सेल में, क्योंकि एनिमल आपके हेटरोट्रॉफ है, खाना खुद तो बनाने वाले नहीं है, तो इन एनिमल सेल में आपके प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स को देख लेते हैं, प्लांट सेल में कहाँ पे दिया गया, ये क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, तो क्लोरोप्लास्ट ये आपका ग्रीन कलर के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और भी प्लास्टिड है, उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। प्लास्टिड आपके तीन टाइप के थे, कौन कौन से, जो स्टोर करेंगे किसी सब्सटेंस को, स्टोर करेंगे ऑयल को, सब्सटेंस ऑयल को स्टोर करेंगे, या फिर प्रोटीन को स्टोर करेंगे, या स्टार्च को भी स्टोर करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। जो आपके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, येलो कलर, ऑरेंज कलर, वो आपके कौन से हैं, क्रोमोप्लास्ट। जैसे नहीं पेटल्स का कलर होता है, तो पेटल्स में क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एंड ग्रीन कलर के लिए जो प्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस होती है, दीज आर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इनके एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। लास्ट वीडियो में, लास्ट टू लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ये देखिए, ये आपके ल्यूकोप्लास्ट है, कलरलेस प्लास्टिड। इसमें ये जो बने हुए हैं ना, राउंड राउंड से ये सेल है, ब्लू कलर से ये पूरी सेल है, प्लांट सेल। इसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है, स्टार्च को स्टोर किए हुए। नेक्स्ट, ये कलरफुल प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद आपके ग्रीन कलर के प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। ये आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं, बट एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं, न्यूक्लियस इज पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब न्यूक्लियस यहाँ पे साइड में होगा, लेकिन आपका एनिमल सेल में सेंटर पे होगा। देखिए डायग्राम में, बाकी का देखिए, प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे और एनिमल सेल में कहाँ पे है, ये पूरा न्यूक्लियस है। प्लांट सेल में ये पूरा न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट है, साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, मैंने पूरा येलो से हाइड कर दिया। ठीक है, एनिमल सेल में सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस की लोकेशन के बेसिस में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, सेंट्रियोल आपका स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं, बट एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इनका काम क्या है, सेंट्रियोल के वर्क को देख लें। ठीक, सेंट्रियोल क्या करती है, जब आपकी सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवाइड करेगी, ठीक है, एनिमल सेल, तो इस तरह से डिवाइड करती है ना, साइटोप्लाज्म खींचता है, तो यहाँ पे क्या बनती है, फरो बनती है। ये आपकी फरो है, धसा हुआ सा रीजन, एक सेल है आपकी, इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड ऑलरेडी हो चुका है, मैंने बनाया है। ये आपकी सेल क्या हो रही है, अब दो सेल में डिवाइड होगी, तो ये फरो से यहाँ से धस रही है, तो यहाँ पे एक रिंग बनती है, एनुलर रिंग उसको बोलते हैं, एनुलर स्ट्रिंग, जिसकी वजह से ये दोनों सेल आपकी डिवाइड हो जाती है, दो सेल में, पूरी पूरी दो सेल में आपकी डिवाइड हो गई। तो ये आपका सेंट्रियोल रोल प्ले करता है, साथ ही साथ सेंट्रियोल से फाइबर निकलते हैं, जो क्रोमोजोम को अपने दूसरे पोल की तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, क्रोमोसोम को दो पोल की तरफ, अपोजिट पोल की तरफ स्ट्रेच करेंगे कि दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएं। तो यहाँ पे सेंट्रियोल है, यहाँ पे भी सेंट्रियोल है, इधर क्रोमोसोम अटैच होते हैं, ये आप क्लास टेंथ में पढ़ोगे, इस तरह से खींचेंगे, ये सेंट्रियोल से स्पिंडल एपरेटस बनता है,
इस तरह से क्रोमोसोम खींचते हैं, तब जाके ये पूरा न्यूक्लियस फॉर्म होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस फॉर्म है तो सेल डिवीजन में आपको इतना याद रखना है कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल है। बट प्लांट सेल में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्या है, ये सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल रिजिड है, ये खिंच नहीं सकती है कि हाँ खिंच के आप दो सेल में इस तरह से डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं है। प्लांट सेल में जो ये प्रेजेंट है ये रिजिड स्ट्रक्चर है, इसमें डिविजन होता है सेल प्लेट के फॉर्मेशन से, तो सेंट्रियोल को यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। देखिएगा ये प्लांट सेल मैंने बना दी, इस प्लांट सेल में क्या भरा होगा अंदर की साइड, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे पूरे में साइटोप्लाज्म। अब ये जब दो में डिवाइड होगी ना, तो पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड हो ही जाएगा, न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं, न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया। अब इसमें बीच में आपकी यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होना बनना शुरू होती है, यहाँ पे खिंच के नहीं बनती है, जैसे यहाँ पे फरो बन रही है ना, आप एनिमल सेल में देखें यहाँ पे दबा हुआ सा रीजन है, ये फिर दो सेल में टूट जाएगी, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा हम किसको खींच नहीं सकते, दबा नहीं सकते, क्योंकि सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे बीच में सेंटर पे एक प्लेट फॉर्म होना शुरू हो जाए, इधर को बढ़ती है, इधर को बढ़ती है, सामने की तरफ बढ़ेगी और इधर को बढ़ेगी, तो ये सेल आपके पूरे में दो में पार्ट में डिवाइड हो जा रही है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, ये आपकी पूरी सेल प्लेट बनेगी, सेल प्लेट। ठीक है, इस तरह से सेंट्रियोल आपका सेल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, और जो आपका प्लांट सेल है उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। ये हमने सारे डिफरेंसेस देख लिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब हम लोग उन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे विच आर कॉमन टू प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, देखते हैं क्या क्या पाया जाता है स्ट्रक्चर्स। वन सेकेंड, स्ट्रक्चर्स कॉमन टू प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये क्वेश्चन आपका लास्ट में पूछा भी गया है, अगर आपके पास सलेना पब्लिकेशन की बुक होगी। एनिमल सेल क्या है भाई, दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बस सेल वॉल आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है प्लांट सेल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल वॉल प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन एबसेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है, न्यूक्लियस दोनों में ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में है, गोल्जी भी आपकी दोनों में है। अब देखिए प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडीज हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम, याद रखिएगा प्लांट सेल में गोल्जी गोल्जी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम्स। इसके बाद राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है, राइबोसोम एंड लाइजोसोम दोनों में प्रेजेंट है। एक डिफरेंस अभी पीछे नहीं लिखा था, प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होती है लार्ज, उसमें टेबल में नहीं था, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होगी बहुत ही, या फिर आपकी बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगी, बहुत ही ना के बराबर होगी। ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल में कॉमन है, दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग उन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जो सिर्फ आपके प्लांट सेल में पाए जाते हों, ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, पूछे भी जाते हैं। क्या है प्लांट सेल में वो स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हो, और इधर हम लिखेंगे वो स्ट्रक्चर जो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। वन सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं, एंड इधर हम लोग प्लांट सेल पे लिखेंगे। तो प्लांट सेल में क्या पाया जाता है जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, फर्स्ट नंबर पे सेल वॉल, नेक्स्ट और क्या है आपका प्लास्टिड्स, ये आपके सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाएंगे, एंड एनिमल सेल में ऐसा स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल में ना पाया जाता हो इट इज सेंट्रोसोम, या फिर आप बोल सकते हो सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम, इसी में ही दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल ये आपके किसमें नहीं पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, उसको भी देख लेते हैं। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता टॉपिक है। सेल वॉल जो है आपकी नॉन लिविंग है, मतलब सब्सटेंस की बनी हुई है, इसमें कोई भी हलचल नहीं होती है। ठीक है, सब्सटेंस आपका बाहर जाकर कलेक्ट हो जाता है प्लांट सेल में, तो इट इज नॉन लिविंग, बट सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग। सेल वॉल जो होती है फ्रीली परमिएबल है, इट इज फ्रीली परमिएबल, अभी इस वर्ड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फ्रीली परमिएबल।
बट वहीं पे जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, अब ये बताइए जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है वही तो परमिट करेगा कि कौन सी चीज सेल के अंदर जाएगी और कौन सी चीज सेल के बाहर जाएगी। तो जो सेल वॉल होती है सबको अलाउ करती है, हाँ तुम आ जाओ तुम बाहर चले जाओ। तो इट इज जस्ट लाइक अ गेट ऑफ अ गार्डन, गार्डन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। प्लेग्राउंड जो होता है आपके अगल बगल सराउंडिंग्स में जो ग्राउंड होंगे वहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं, हाँ यही बच्चे आएंगे, नहीं ना कोई भी आ जा सकता है। तो सेल वॉल जो है वो परमिट कर रही कोई भी चीज आए उसके अंदर के थ्रू उसके अक्रॉस आपके ट्रांसपोर्ट हो सकती है। बट वहीं पे अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें इट इज जस्ट लाइक अ गेट ऑफ अ स्कूल, आपके स्कूल का गेट क्या होता है, आपके स्कूल में सिर्फ आपके ही स्कूल के बच्चे आ सकते हैं कि या फिर आज मान चला किसी के स्कूल में भी चले जाए, नहीं ना सिलेक्टेड बच्चे ही जाएंगे जो स्कूल के ही होंगे या सिलेक्टेड टीचर्स ही जाएंगे, वही स्कूल के अंदर जाएंगे वही स्कूल के बाहर जाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है सिलेक्टिव चीजों को ही, जो उसको पता होगा कि हाँ यही चीज सेल के बाहर जाएगी दूसरी चीज नहीं जाएगी, या फिर ये चीज सेल के अंदर जाएगी दूसरी चीज नहीं जाएगी, इसलिए हम बोल रहे हैं सिलेक्टिवली परमिएबल होती, परमिट करना, परमिट कर रही है कौन सेल के अंदर जाएगा कौन सेल के बाहर जाएगा। ठीक है, वहीं पे सेल वॉल आपकी फ्रीली परमिएबल है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो सेल वॉल है इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, ये आपके रिजिड स्ट्रक्चर है। बट सेल मेम्ब्रेन आपकी कैसी है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, रिजिड नहीं है। सेल वॉल जो बनी हुई होती है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, अभी हम लोग ने पढ़ा था सेलुलोज आपका एक कार्बोहाइड्रेट है उसकी बनी हुई होती है। वहीं पे जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपके लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये आपके सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंसेस है। हमारा कंप्लीट हो गया है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंसेस वाला पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे और यहीं पे हमारा चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा।